की जो घटना हुई है उसमें हर तरीके से जो है वो हम एंगल को देख रहे हैं और बहुत सारी हमको आइडेंटिफाई भी हमने किया है। इतना ये श्योर है कि हम जो भी ये बदमाशी किया है, जो ये काम किया है, उसको हमने मतलब आइडेंटिफाई करके और उसको हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और सिर्फ गिरफ्तारी के साथ साथ जो भी और जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो सारी की सारी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं अनिल। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना सिटी के वही हजारी मोहल्ला में जहां पर कल अपराधियों ने लगातार फायरिंग की। चांद नामक जो शीशा दुकानदार हैं उन पर आज पटना पुलिस जो है यहां पर लगातार जो है पहुंची है और इनसे बातचीत कर रही है और पुलिस जो है छापेमारी भी कर रही है कि अपराधी वो कौन था जिसने गोली चलाई है। अभी अभी तुरंत जो है यहाँ पर पटना पूर्वी सिटी SP पहुंचे थे और शीशा कारोबारी से लगातार उन्होंने बात की और जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं कल रात भी आया था और इनसे बात किया था और अपराधियों की जो है लगातार छापेमारी कर खोजी जा रही है कि वो अपराधी कौन है और इसकी वजह क्या है। लेकिन हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं जो है शीशा कारोबारी जो चांद नाम है। इन्होंने बताया था कल कि चांद नामक कहे तो कि चांद ने चांद पर ही गोली चलाई। अब वजह क्या था, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बताया कि रंगदारी का मामला था, जो इससे पहले भी इनसे रंगदारी मांगी गई थी, हालांकि इन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी थी, जो आज इनका खामियाजा भुगतना पड़ा और इन पर गोलियों की बौछार हुई। लेकिन किस्मत का है तो इनकी जो है जान बच गई और इन्होंने जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। और हालांकि यहां पर लोगों को जो भीड़ हुई थी उसके वजह से अपराधी यहां से भाग खड़े हुए, जो पूरा मामला CCTV कैमरा में कैद हो चुका था। हम इनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि पटना पुलिस पहुंची थी और इनसे क्या आश्वासन दिया और अपराधी अभी तक गिरफ्त में पहुंचे कि नहीं, हम इनसे बात करेंगे। अभी अभी पटना पूर्वी CTSP पहुंचे थे, पटना CTSP पहुंचे, पूरी टीम थाने की पहुंची थी, इसको लेकर आपसे क्या बातचीत हुई? हमको उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप घबराइए नहीं, काम कीजिए, प्रशासन आपके साथ है और फुल तरीके से साथ है, आपकी मदद करेगी। कल रात भी सर आए थे, बोला उन्होंने, हम तो घबरा गए थे। उन्होंने बोला कि आप कारखाना खोलिए, कॉन्स्टेबल भी दो दिए हैं बैठा है, और अभी भी सर आके मिल के गए कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं और सिस्टम में लगे हैं, कार्रवाई हो रही है, उन सबकी छापेमारी जारी है। जिसका आपने नाम लिया था जी, वो व्यक्ति आप पहचानते हैं उसको अच्छी तरह? नहीं जानते हैं, कभी देखा ही नहीं हमने। तो आपने उसका नाम अभिषेक और चांद बताया था? उसने फोन पर बताया था, फोन पर बताया जी। CCTV में पता चल पाया कि वही व्यक्ति है या फिर कोई और है? कैमरे में तो एक मास्क लगा के था और एक बिना मास्क का था, हम तो पहचान नहीं पाए, भाग गए। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने क्या इंतजाम किया है? सुरक्षा के लेकर कल से छापेमारी उन्होंने बोला कि हम कर रहे हैं और दो कांस्टेबल यहाँ बैठा है, दो कांस्टेबल और आके बोले हैं कि परवारी और भी लोग सब यहाँ पे घूम रहे हैं। थाने की टीम आपके पास लगी है, कौन सा थाना क्षेत्र है आपका? खचकला थाना है। और कौन सा मोहल्ला, कौन सा इलाका? हजारी मोहल्ला, क्रेसेंट स्कूल, एक कंपाउंड है और शीशा कारखाना यहीं पे हमारा। कितने स्टाफ हैं आपके पास? हमारे पास अब 10 स्टाफ हैं। सभी कब से काम कर रहे हैं? सब बच्चे से काम कर रहे हैं, 10 रुपए रोज से हमारे पास काम करने वाले। आपने बताया था कि कल की सफर जो है हमने साइकिल भी शुरू किया। बिल्कुल, साइकिल भी खरीदने की हमारी औकात नहीं थी, सन 2000 में 150 की पुरानी साइकिल खरीदे थे और वो भी बंदे यहाँ खड़े हैं इनके पिताजी से 150 की साइकिल, वो यादगार है हर चीज कि 150 की साइकिल पुरानी खरीद के उससे हमने कारोबार अपना चालू किया। और बहुत मेहनत से मझट्टा पे कारोबार था हमारा, पहले वहां माल बेचते थे, दुकान बनाते थे अपने से, रिक्शा का भाड़ा बचाने के लिए सिर पर यहाँ से मझट्टा माल लेके जाते थे हम, ऐसे पैसा कमाए हैं और रात दिन मेहनत करके आज ये कारोबार अपना यहाँ तक पहुँचाए हैं। और जो हमारे सब स्टाफ लोग हैं उन लोगों की भी मेहनत रही कि हमारे साथ बहुत पुराने हैं ये लोग, 15 साल 20 साल से, 10 रुपए चेले में आया था सब हमारे पास, आज किसी का 350, किसी का 500, किसी का 600, ऐसे रोज की सैलरी है। किसी स्टाफ पर आपको शक है? ये हमारा परिवार है, अब हम परिवार पे कैसे शक करेंगे, ये तो मेरा जान है, बस जैसे हमारा सांस है वैसे वो सांस है, अब वैसे वो मानता है, हम कहीं से शक का गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आज पैसा आ गया ना, ये तो गरीबी से मेरे साथ था, किसी पे शक नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं, परिवार है हमारा ये। और जितने लोग काम करने वाले वो हमको इतना मानते हैं, रानीपुर के अंदर पुल के नीचे काम करते हैं, कम से कम 2500 घर 30 घर में हमारा काम होता है, वो सब काम करते हैं, और एक बेटा है, कोई बहू है, कोई चची है, ऐसे ही करके हमको इज्जत मिलता है, अब हम भैया बोलते हैं, बड़े के लिए भी भैया, छोटे के लिए भी भैया। शीशा कारोबार आपका किस तरह का, ये शीशा कारोबार है आपका? शीशा का काम हमारा है, ये लाट में बिकता है 5 आइटम, ये फेरी वाले सब बेचते हैं, यहाँ से हम लोगों को फोन करते, पार्टी लोग आते हैं, जब माल बिकता है, लाट का काम है। और ये अब इधर 4-5 साल से ये किए, पहले तो छोटा एना बना के मझट्टा पे सप्लाई था, भाड़ा बचाने के लिए सिर पर हमने माल ढोया है, मझट्टा जाते थे,
वैसे मेहनत की, आवाज भी शीशा काट के अपने से काम कर। अब कैसा महसूस हो रहा है प्रशासन आपसे मिलकर? प्रशासन हमको आश्वासन दिया है, उस पर हम संतुष्ट हैं। कांस्टेबल भी बैठा दिए हैं, फिर भी सुरक्षित है, लेकिन डर बना हुआ है। डर बना हुआ है, जब तक वो पकड़ा ना जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से शीशा कारोबारी जो हमारे साथ चांद नाम है इनका भी, और जिन्होंने इनको फोन किया था, बताया जाता है कि वो भी चांद था, यानी कहे तो कि चांद ने चांद पर ही फायर किया। आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से एक समय था कि साइकिल जो 150 रुपए खरीद कर इन्होंने कारोबार शुरू किया था, और उसी कारोबार से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन कहे तो दुश्मनों की नजर इन पर पहुंच गई कि चांद ने बहुत ही रुपया कमाया है, चलो इनसे कुछ वसूला जाए। लेकिन प्रशासन भी अपनी कमर कस चुकी है और लगातार अपराधियों की छापेमारी कर उन्हें धर दबोचने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि चांद की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने 2 कांस्टेबल यहां पर मौजूद रखा है, और इनके सुरक्षा में चांद के जो है वो हमेशा मौजूद रहेंगे कि किसी तरह का इन पर कोई आंच ना आए। 24 घंटा बीत गया, अब तक किसी गिरफ्तारी न हो पाना, क्या लग रहा है? देखिए, मामला ये है कि ये जो कंप्लेनेंट है, उनके द्वारा बताया गया था कि 1 महीना पहले उनको कॉल आया था, तो जिसके बारे में कोई सूचना थाना में नहीं दी गई। और क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे प्रैंक कॉल भी आजकल करते हैं किसी को परेशान करने के लिए, कल की जो घटना हुई है उसमें हर तरीके से जो है वो हम एंगल को देख रहे हैं, और बहुत सारी हमको आइडेंटिफाई भी हमने किया है, और उसमें हमारे सीनियर एसपी सर हैं वो भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हमारे ASP सिटी हैं और उसके अलावा जो जितने भी थानाध्यक्ष हैं वो सभी इसमें लगे हुए हैं। इतना ये श्योर है कि हम जो भी ये बदमाशी किया है, जो ये काम किया है, उसको हमने मतलब आइडेंटिफाई करके और उसको हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और सिर्फ गिरफ्तारी के साथ साथ जो भी और जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो सारी की सारी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और यहाँ पे उसके अलावा और भी जो अन्य इस तरीके के, अगर युवाओं में कभी कभार होता है कि जोश में आके वो इस तरीके की हरकत कर लेते हैं या लोगों को देखते वो इस तरीके की हरकत कर लेते हैं, तो उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार की इस तरीके की हरकत वो कोई भी करेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, तो स्ट्रिक्ट जो लीगल एक्शन है वो उस पर लिया जाएगा। और हम आपको जो है इसमें आगे अनुसंधान करते हुए त्वरित रूप से जो है हम इसमें अग्रतर जितनी भी कार्रवाई हो सकती है लीगल, वो हम सारी इसमें करेंगे। इस घटना में कोई बड़ा अपराधी कोई था? देखिए, अभी तक जो है वो टेक्निकल जो भी है उस पर अनुसंधान हम कर रहे हैं। पूर्व के भी जो अपराधी है उन सभी की हमने लिस्ट बनाई है, जो कि अपराधी यहाँ सक्रिय थे पहले, उन सभी के साथ छापेमारी की जा रही है और उन सभी को जो है एक एक करके उनसे पूछताछ की जा रही है। किसी भी अगर पूर्व का अगर यहाँ सक्रिय अपराध कर्मी था, अगर वो उसकी संलिप्तता आएगी तो सभी को उसमें जो है इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और सभी पे अनुसंधान किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज में जो शक्लें आ रही हैं और जो आपको भी आप लोगों ने भी जो है उसको सर्कुलेट किया है, वो भी जो है हमने हर जगह उसको सर्कुलेट हम कर रहे हैं, और हर अन्य जो जिला पुलिस है उनसे भी हम मदद कर ले रहे हैं। उसके अलावा हमने लोगों से ये भी अपील हम कर रहे हैं कि अगर कोई एग्जैक्ट हमको बताएगा तो हम जो है उसकी गोपनीयता रखते हुए उनको उचित मुआवजा भी और रिवार्ड भी उनको देंगे। और चांद नाम का व्यक्ति का नाम इसके सामने आ रहा, देखिए वो जो है वो हमने उसको जो है उसका स्टडी किया है कि इस तरीके का एक अभियुक्त है जो कि यहाँ पे एक केस में भी वांटेड है यहाँ पे, और अभी जो है पिछले 8-9 साल से जो है वो फतुहा थाना में भी पहले से जेल गया था 11 में, उसकी भी जो है हम पहचान कर रहे हैं और उसका भी जो है हम पता कर रहे हैं। उसके भी जो मेंबर हैं यहाँ पे जो अन्य इन्वॉल्व है उसके साथ साथ उसका भी हम जो है पता कर रहे हैं, और उसको जल्दी से जल्दी जितने भी इसमें लोग हैं सभी को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। बैगरना में भी वो सम्मिलित था इस अपराध में? देखिए, वो जो एक केस हुआ था उसमें उनको अभियुक्त बनाया गया था, और उसके बाद से लगातार उसको खोजा जा रहा है, उसके लगातार छापेमारी उस पर की जा रही है, जितना भी उसके ठिकाने हैं उसके जितने भी घर वर हैं वहाँ पे भी छापेमारी की गई है, और अभी जो नाम निकल के आ रहे हैं जितने भी अन्य लोगों के उन सभी को जो हम चिन्हित करते हैं उन पे कार्रवाई हम करने की। उसमें जितना भी है उनसे बात कर ली गई थी, कल रात को भी हम आए थे उनसे भी बात की गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि उनको हमने हमारे जितने भी स्टाफ हैं और उनको भी अवगत कराया है कि वो कभी भी अगर बोलेंगे कि उनको किसी प्रकार का कोई डर है या फिर उनको दिक्कत है तो थाना और हमारी जो पूरी टीम है वो 24 घंटा उनके लिए अवेलेबल है। देखते रहे NBC 24 पटना सिटी से अनिल कुमार के साथ।